हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। और आज की इस वीडियो में हम कोई भी पढ़ने लिखने वाली बात नहीं करने वाले। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि इस लॉकडाउन के टाइम में कहीं पे गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकली है। इस टाइम में बहुत ही कम हमें होप होती है, उम्मीद होती है कि कहीं पर हमें सरकारी नौकरी मिलेगी या कहीं पर कोई वैकेंसी आएंगी, क्योंकि हर स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी ने एटलीस्ट मिनिमम 1 ईयर के लिए सारे रिक्रूटमेंट क्या किए हैं, पोस्टपोन किए हुए हैं। लेकिन इसी टाइम के बीच में अगर हमारे पास कोई वैकेंसी आती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास कुछ वैकेंसी आई हुई हैं। इसके अंदर हमारे पास प्रोफेसर की वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लाइब्रेरियन एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन। तो ये कुछ वैकेंसी हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोफेसर की 38 वैकेंसीज हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की 83 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की काफ़ी बल्क में है 142, एक अच्छी संख्या है वैकेंसीज की। और इसके अलावा लाइब्रेरियन की सिर्फ एक ही है और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 2 वैकेंसी है। और इसके नीचे यहाँ पे हमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिख रही है कि कौन इनको अप्लाई करता है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि जो एज है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, ये सारे के सारे क्या होंगे, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लाइब्रेरियन, इन सब की जो एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सारे UGC एंड NCERT के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगी। और इसने बताया था सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन विद इन द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, कि हम 30 दिन के अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं। और ये तो था इसका नोटिफिकेशन। तो चलिए बात करते हैं हम ये वैकेंसी हैं कहाँ पे ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे हैं, नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये है NCERT का। और आप इसे NCERT की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, वहाँ पे ये एकेडमिक हमारे पास क्या निकली, वैकेंसी निकली हुई है। तो ये इस ग्रुप ए के अंडर में है और 266 एकेडमिक पोजीशंस हैं जिनके अंदर ये प्रोफेसर से असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लाइब्रेरियन, ये सारी वैकेंसी इंक्लूड हैं। फिर इन्होंने बताया कि जो रिक्रूटमेंट होता है, ये जो पोस्ट है ये है ट्रांसफरेबल है, कि एक जगह फिक्स नहीं होगा कि भाई आपकी पोस्टिंग अगर जैसे डेली आ गई तो आप परमानेंट डेली रहेंगे। सारी पोस्ट ट्रांसफरेबल है, कहाँ कहाँ ट्रांसफर हो सकता है, जहाँ जहाँ इनके जो यूनिट्स हैं वो है अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, शिलोंग एंड दिल्ली, इन सभी जगह पे, इन 6 जगहों पे आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी पोस्ट हैं, अगर आप इनकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और एक और अच्छी बात है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा, कोई भी आपको यहाँ पे रिटन टेस्ट या स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा। और पे स्केल भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफेसर का जो पे स्केल है वो कौन सा होगा, लेवल 14th का होगा, एकेडमिक लेवल 14th, जो कि क्या बनती है, इंट्री पे स्केल है 1,44,000 के अराउंड, एंड एसोसिएट प्रोफेसर की 1,31,000 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर 57,700। ओके, ठीक है, ये इनकी एंट्री लेवल सैलरीज है, काफ़ी एक अच्छी अमाउंट है। और इनका रिक्रूटमेंट शायद जल्दी हो जाएगा। इनकी अभी हम बात करते हैं कब फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट क्या है, क्या क्या हमारे पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या चीज़ डिजायरेबल है। ठीक है, तो अब हम इसके डिटेल एडवर्टाइजमेंट के अंदर जाते हैं। ये तो था सिर्फ इसका नोटिफिकेशन, तो आप इसकी वेबसाइट पे जाके यहाँ पे इंग्लिश या हिंदी में इसके एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। और यहाँ पे ही अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्म है ये सिर्फ ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना, हमें ऑफलाइन कोई भी इसका फॉर्म नहीं आएगा। तो चलिए चलते हैं हम एडवर्टाइजमेंट की तरफ। फ्रेंड्स, ये हमारे पास इंग्लिश में इसके एडवर्टाइजमेंट खुल चुकी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन है यहाँ पे इनका, और इसमें देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 171/2020 और यहाँ पे पोस्ट एंड वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल दी है कि किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है और कौन सी कैटेगरी की है। तो इन सबको हम यहाँ पे देखते हैं।
तो सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे साइकोलॉजी एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो पोस्ट है, तो यहाँ पे इन्होंने इस टाइप से इनको ब्रेक किया है, पहले प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, इस तरह के डिवाइड, और हर एक पोस्ट को इन्होंने 5 सब कैटेगरी में डिवाइड किया है, एससी, एसटी, ओबीसी, यूआर एंड ई, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो ये सब हमें यहाँ पे देखना है, तो हम देखते हैं यहाँ पे आप ऐसे ऐसे नीचे जैसे ही जाते जाओगे आपको सभी पोस्ट दिखती जाएंगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के यहाँ पे वैकेंसी डिटेल लिखी हुई है। तो मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो हम डायरेक्ट वहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ फिजिक्स, तो फिजिक्स डिपार्टमेंट की यहाँ पे ये जो कॉलम बनी हुई, ये थी प्रोफेसर की, ये थी एसोसिएट प्रोफेसर की, और यहाँ पे क्या था असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ फर्स्ट कॉलम में एससी, एसटी, ओबीसी, यूआर एंड ईवीएस, इस टाइप से यहाँ पे डिफाइन थे ये सारी चीज़ें। तो जो एक वैकेंसी है ये प्रोफेसर की किसकी है, ओबीसी में। फिर एसोसिएट प्रोफेसर की बात करते हैं तो यहाँ पे एक वैकेंसी एससी की, एक वैकेंसी ओबीसी की और एक वैकेंसी ईवीएस की। ऐसे सिमिलर असिस्टेंट प्रोफेसर में काफ़ी सारी पोस्ट हैं, यहाँ पे फिजिक्स में देखते हैं एक पोस्ट एसटी की है, 4 पोस्ट यहाँ पे ओबीसी की है, 1 पोस्ट यूआर की है और 2 पोस्ट यहाँ पे ईवीएस के। तो यहाँ पे काफ़ी जगह आपको दिख रहा होगा एससी एसटी की पोस्ट नहीं है, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, आप यूआर में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे भी ओबीसी के लिए प्रोफेसर की एक वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो एससी की 2 है, एसटी की 1 है और ओबीसी की 2 है, यूआर और ईवीएस की कोई भी यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। और बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, ओबीसी की 2 वैकेंसी है, यूआर के लिए 1 वैकेंसी है और यहाँ पे ईवीएस के लिए 2 वैकेंसी। तो यहाँ पे देखा जा रहा है, मुझे नॉर्मली लग रहा है ओबीसी की यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है। तो ऐसे यहाँ पे जूलॉजी डिपार्टमेंट का यहाँ पे सारी पोस्ट मेंशन है, और केमिस्ट्री, देन बॉटनी एंड स्टैटिक्स, तो ये सारे यहाँ पे इन्होंने पोस्ट का पूरा यहाँ पे खोल के अच्छे से बता रखा है, किस पोस्ट के अंडर में किस कैटेगरी कितनी पोस्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिजिक्स, बॉटनी एंड केमिस्ट्री में ओबीसी की 4 वैकेंसी हैं। तो ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है आप सभी के लिए, अगर आपके लिए इसके लिए एलिजिबल है तो इसको अप्लाई कीजिए और इंटरव्यू की तैयारी में अभी से जुट जाइए। तो आई होप आपको ये वैकेंसियाँ सुन के थोड़ा सा आपके दिल में खुशी हुई होगी, कि आपने होप छोड़ रखी होगी कि भाई इस लॉकडाउन में अब ये तो काफ़ी लंबा चलने वाला है, पता नहीं कब जॉब मिलेगी कब नहीं। तो उसके लिए एक ये यहाँ पे गोल्डन चांस है, आप अप्लाई कीजिए और मैं दुआ करता हूँ आप सभी के लिए कि आपको ये सभी को ये जॉब मिल जाए, ठीक है, जो भी इसको डिजर्व करते हैं। फिर नीचे इसमें एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ, यहाँ पे एक नोट है, द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर मेंशन इन द पोस्ट कोड, ये इन पोस्ट कोड में जो एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट मेंशन है वो उनमें क्या है, इंक्लूड बताया 1 पोस्ट फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी, वीएच जो कैटेगरी होती है डिसेबिलिटी की, उनकी एक पोस्ट है। ऐसे ही इन सभी पोस्ट में भी, पोस्ट नंबर कोड नंबर में भी एक एक पोस्ट डिसेबिलिटी कैंडिडेट जो होते हैं उनके लिए है, यहाँ पे एचएच कैटेगरी है, यहाँ पे ओएच है। चलिए और नीचे चल के देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ हमें मिलने वाली है। फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात की गई है, तो यहाँ पे एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, बेस के लिए सभी पहले ही इन्होंने नोटिफिकेशन में बता दिया था कि वो यूजीसी और एनसीईआरटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स होते हैं उनका जो अबेंडेंट है उनके अकॉर्डिंग होगी। पे स्केल की भी हम बात कर चुके हैं, तो यहाँ पे फिर इन्होंने लिखा हुआ है इन एडिशन टू एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ साथ भी यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं वो फुलफिल होनी चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो हर सब्जेक्ट और पोस्ट के सामने इन्होंने वो सारी क्वालिफिकेशन लिख रखी हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पे साइकोलॉजी है, फिर साइकोलॉजी एजुकेशन है, इन सब के यहाँ पे मेंशन है कि एमएड होना चाहिए, एमए होना चाहिए, नेट होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए। तो हम डायरेक्ट अभी चलते हैं साइंस के सेक्शन की तरफ। तो चलिए दोस्तों हम पहुंच गए फिजिक्स के पास, तो फिजिक्स में यहाँ पे प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसके लिए आपके पास होना चाहिए एमएससी इन फिजिक्स एंड पीएचडी आपके पास होनी चाहिए। और ये तो थी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे ये जो कॉलम है ये डिजायरेबल की मीन्स एसेंशियल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिजायरेबल कि अगर आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशन और होंगी
तो आपके चांस ज़्यादा हो जाते हैं सिलेक्शन के। फिर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एमएससी इन फिजिक्स विद 55% मार्क्स एंड पीएचडी इन फिजिक्स, ये सेम है दोनों का। और देन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे पीएचडी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ क्या होना चाहिए, नेट इन फिजिक्स होना चाहिए। और अगर आपके पास ये एमएड या एमए है एजुकेशन में तो आपके चांसेस सिलेक्शन के ज़्यादा हो जाते हैं। फिर ऐसे ही यहाँ पे मैथ डिपार्टमेंट की बात की हुई है तो प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एमएससी एंड पीएचडी, देन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सेम जो फिजिक्स में है एमएससी विद 55% मार्क्स एंड नेट इन मैथमेटिक्स, और डिजायरेबल की एमएड एंड एमए। तो चलिए इसके नीचे और हम चेकआउट कर लेते हैं कि क्या चीज़ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये सारी आप चेकआउट कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके। देन हम इसके लास्ट में चलते हैं, इस नीचे इसमें क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जनरल कंडीशन एक्सटेक्शंस लिखे हुए हैं। इसने बताया जब भी आप अप्लाई करें तो पहले इनको डिटेल में जो एडवर्टाइजमेंट है इसको पढ़ ले। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग डेट है वो 29 जून यहाँ पे है, 29 को ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे ऑनलाइन फिल होना, और वेबसाइट एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। और लास्ट डेट हमारी 3rd of August अप टू 5 PM, 3rd of August तक हम अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए हमारे पास हमारा खुद का ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है, कहीं कि वहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आते हैं। और ये सिर्फ ऑनलाइन मोड से अप्लाई होगा। और यहाँ पे अप्लीकेशन फ़ीस लिखी हुई है कि जो भी कैंडिडेट हैं यूआर के मेल, ओबीसी मेल, ईवीएस मेल, उन सभी को यहाँ पे 1000 रुपये फ़ीस पे करने की ज़रूरत है अप्लाई करने के लिए। और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड वुमेन्स कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं, और बताया गया फ़ीस नॉन रिफंडेबल है, तो ऐसा हर जगह होता है। तो इसमें और ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बाकी फ़ोटो वगैरह के बारे में बताया हुआ क्या फ़ोटो होना चाहिए तब आप अप्लाई करेंगे, तो इनको एक बार रीडिंग ज़रूर ले लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे एक जगह लिखा हुआ था कि जो भी कैंडिडेट अभी गवर्नमेंट में या प्राइवेट सेक्टर में कहीं पर भी काम कर रहे हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने इंस्टीट्यूट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनको बनवाना पड़ेगा। और जो ओबीसी का रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उनकी जो कास्ट या कम्युनिटी है वो इनकी सेंट्रल जो लिस्ट है वहाँ पे रजिस्टर होनी चाहिए। इसके अलावा मुझे यहाँ पे और कुछ खास नहीं दिख रहा है इस एडवर्टाइजमेंट में, जो मेन चीज़ें थी वो हमने यहाँ पर कवर कर ली है। तो फ्रेंड्स आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और इस टाइम में एक अच्छी जॉब के हकदार बन सकते हैं अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं और अभी से इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक